नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SB मेडिसिन में। आज अपन बात करेंगे जवामेट SR 500 mg टेबलेट के बारे में। जवामेट SR 500 mg टेबलेट को मशहूर कंपनी इंटास फार्मास्यूटिकल्स बनाती है, जिसमें जो कंटेंट डाले गए हैं वो है मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड 500 mg, विल्डाग्लिप्टिन 50 mg। इस टेबलेट की जो MRP है वो है 80 रुपए पर स्ट्रिप। इसका यूज आप डॉक्टर की सलाह से करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये टेबलेट आपको डॉक्टर के प्रिस्क्राइब पे सभी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। जवामेट SR 500 mg टेबलेट एक एंटी डायबिटिक मेडिसिन है, जिसका यूज टाइप 2 डायबिटीज मिलेटस यानी हाई ब्लड शुगर के लेवल को कम करने या फिर इसे कंट्रोल में करने के लिए किया जाता है। ये टेबलेट ब्लड शुगर के लेवल को कम करने के कई तरीकों से मतलब एक साथ काम करते हैं। ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कम करना डायबिटीज को कंट्रोल करने का एक मेन पार्ट है। अगर आप ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल कर लेते हैं तो भविष्य में आपको डायबिटीज के कारण होने वाली गंभीर समस्याएं जैसे किडनी की प्रॉब्लम होना, आंखें खराब होना और नसों से जुड़ी समस्या होने का खतरा टल जाता है। और कई बार आपका बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ जो ब्लड शुगर लेवल है वो आपको भविष्य में स्ट्रोक और हार्ट अटैक का कारण भी बन सकता है। तो ऐसी सभी प्रॉब्लम्स ना हो उनसे बचने के लिए आप अपना शुगर लेवल कंट्रोल करें और उसके लिए आप यूज करें जवामेट SR 500 mg टेबलेट। ये काफी अच्छी टेबलेट है, आपकी शुगर को बिल्कुल कंट्रोल कर लेगी। इस टाइम आप थोड़ा ध्यान रखें कि आप रेगुलरली एक्सरसाइज करें, हेल्दी डाइट लें और उन चीजों को अवॉइड करें जिनसे आपका शुगर लेवल बढ़ता है। इस टेबलेट में होने वाला मेटफॉर्मिन एक विगुआनाइड है जो लीवर में ग्लूकोज की प्रोडक्शन को कम करता है, और विल्डाग्लिप्टिन एक DPP-4 इनिबेटर है जो पेन क्रिया से इंसुलिन रिलीज की प्रक्रिया को बढ़ाता है और शुगर लेवल के बढ़ाने वाले हार्मोन्स को कम करता है। यह टेबलेट फास्टिंग और पोस्ट मील यानी खाने के बाद और खाने के पहले दोनों टाइम की जो शुगर बढ़ती है उसे कम करने में हेल्प करती है। बात कर लेते हैं इस टेबलेट का सावधानी के बारे में। तो अगर आपको लिवर डिजीज है, किडनी डिजीज है, हार्ट डिजीज है या फिर पेन क्रियाज के संबंधी कोई भी प्रॉब्लम है, साथ ही आप प्रेग्नेंट लेडी या ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं, तो ऐसी सभी कंडीशंस में इसका यूज करने से पहले आप डॉक्टर्स को अपनी कंडीशंस के बारे में जरूर बताएं, उसके बाद आप इसका यूज करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और इस टेबलेट के यूज के समय आप एक चीज स्पेशली ध्यान रखें कि इस टाइम आपको शराब बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में। तो इसका जो नॉर्मल डोज है वो है एक एक टेबलेट सुबह शाम भोजन के पहले, पर अलग अलग मरीज और उनकी कंडीशन के अनुसार इसका अलग अलग डोज हो सकता है जो कि आपके डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं। तो बेटर ये रहेगा कि जितना आपके डॉक्टर ने बताएं वैसे आप इसका यूज कर लें। अब जान लेते हैं इसके होने वाले साइड इफेक्ट के बारे में। तो इसके जो कॉमन साइड इफेक्ट नजर आ सकते हैं वो है आपका लो ब्लड शुगर लेवल होना, दस्त लग जाना, उल्टी जी घबराना और आपको पेट खराब होने की समस्या नजर आ सकती है। वैसे साइड इफेक्ट कुछ टाइम लेते हैं, कुछ टाइम बाद अपने आप ठीक हो जाते हैं। हाँ, अगर आपको इनके अलावा कोई भी अदर कंडीशंस क्रिएट होती हैं या फिर यही साइड इफेक्ट लंबे टाइम तक बने रहते हैं तब ऐसे में आप इस टेबलेट का यूज बंद करके तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।